खबरां दी शुरुआत अहम खबर दे नाल। हुन अमृतसर तो दिल्ली फिर दूर नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि रेलवे विभाग यात्रियों दे लई स्पेशल ट्रेना जो शुरू कर रहा है। कोरोना दी दूजी लहर दी रफ्तार कुछ घटन दे मगरों रेलवे विभाग फिर तो हरकत दे विच नजर आ रहा है। रेलवे विभाग वालों कई स्पेशल ट्रेना नूं चलाउण दा प्रबंध करन दा ऐलान कीता गया है। इस तहत अमृतसर रेलवे स्टेशन ते उत्तर भारत दी VVIP आखी जाण वाली रेलगड्डी नंबर 4054 शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल रेलगड्डी वीरवार नूं नवी दिल्ली वल रवाना कीती गई। उक्त रूट दी रेलगड्डी दे बंद होण नाल दिल्ली जाण वाले मुसाफरां नूं काफी दिक्कतां दा सामना करना पै रिहा सी। उत्थे रेलगड्डी दे बंद होण दे नाल रेलवे दे रेवेन्यू नूं वी भारी नुकसान हो रिहा सी। वीरवार अमृतसर तों दिल्ली वल रेलगड्डी च यात्रियों की गिनती काफी घट रही। रेलगड्डी दी 380 दे लगभग सीटां खाली रहियां, पर इस रेलगड्डी दे चलन दे नाल दिल्ली जाण वाले मुसाफरां च काफी उत्साह वेखण नूं मिलिया। दो दिन तो बिजली की किल्लत नाल जूझ रहे घरेलू उत्पादकों नूं 24 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई देने दे हुक्म जारी कर दिते गए ने, जिस कारण वीरवार नूं कोई कट नहीं लगाया गया। चोन वरे दे मद्देनजर कैप्टन सरकार दे वल्लों इंडस्ट्री दी बिजली कट के आम लोकां नूं राहत दिती गई है। वीरवार भावें ही कोई बिजली कट ना लगाया गया होवे, पर नॉर्थ जोन दे विच बिजली दीआं शिकायतां दा आंकड़ा 10,000 तों पार पहुंच गया है। पंजाब चलाक रहे बिजली दे लंबे लंबे कट्टां नूं लै के सांसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल दा गुस्सा सत्तवें आसमान ते है। बीबा बादल ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं खरियां खरियां सुनाईयां ने। उन्हें कहा कि ओही पंजाब, ओ किसान, ओही झोने दा रकबा, फिर भी अकाली दल दे 10 सालां दे कार्यकाल दे विच एक भी बिजली कट नहीं लग्या सी। हरसिमरत बादल ने दोष लगाया कि अज पंजाब दे कोने कोने दे विच 10 तों 12 घंटे बिजली दे कट लग रहे ने। उन्हें कहा कि सारा पंजाब सड़कां ते उतर आया है, इस कारण किसानां नूं भारी मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। तस्वीरां खन्ना दियां ने जिथे सिविल हस्पताल च काम कर रहे क्लैरिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ अते दर्जा 4 कर्मचारियां दे वल्लों सांझे तौर ते इकट्ठे हो के 6वें पे कमीशन खिलाफ हड़ताल कीती गई, जिस च नर्सिंग स्टाफ दे वल्लों 2 घंटे काम छड्ड के हड़ताल कीती गई, जबकि क्लैरिकल अमले दे वल्लों लगातार 9वें दिन भी हड़ताल जारी रखी गई। इस मौके नर्सिंग स्टाफ दी प्रधान हरपताल कौर अते स्टाफ नर्स सुमन ने कहा कि जेकर साडियां मंगां ना मनियां गईयां तां ओह वी काम बंद करके हड़ताल चले जाएंगे। ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਆ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ 5-5। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 29-30 ਜਾਂ 30-36 ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 40-40 ਸਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਦੇ, 1 ਜਾਂ 2। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
अगे तक चलांगे। पूरे दिन लिए हस्पताल बंद किए जाएंगे, हस्पताल तो नहीं मतलब असं बंद कर सकते, पर असं काम तो बंद कर सकते हैं ना, वो तो साढ़े हाथ च। जब सानू कै पे ही नहीं मिलनी, नो पे नो वर्क। फिर सानू करोना दे विच इन्हां ने जो काम लिया सी तो सानू लालच दिता गया सी। लालच तो की असी उदों इन्हें किसी के लालच हेठ आके काम नहीं किया, असी पूरे अपने तन मन नाल काम किया। कदी नहीं सोचा तनखाह, कदी कुछ नहीं, जबकि उन्होंने दिनों तनखावां भी लेट आई। ठीक है, असी तां भी काम करते रहे, पर सानू करोना वैरियर के तौर पर मोदी साहब ने वो थालियां बजा के ते जां कैंडल लाइट नाल साडा स्वागत किया, उहदा की फायदा होया? सानू कोई फायदा हुण होना सी, जो फायदा हुण होण लगा सी हुण सानू बिल्कुल ही इन्हां ने डीग्रेड करता, इन्ना डीग्रेड किया कि सानू जमीन नाल ही ला के रखता, उहदा की फायदा होया? ये तो साडे तों सानू देण दी बजाए, बदले कि इनाम देण दी बजाए साडे तों तां खोह लिया सब कुछ, साडे हक ही खोह ले। फिर दसो असी दसां सालां दी महंगाई दे नाल किवें निपटीए? असी लोगों ने कई ने मेरिया ही भैणा, मैं खुद सब ने तकरीबन ही सब मुलाजम अपने घर बनाने वास्ते अपने बच्चों की शादी वास्ते लोन ले होंगे ने, जो कि बंदे नूं हुंदा कि एंड की जिहड़ी सानू मिलेगी जो भी होएगा असी भुगतान करांगे। कोई कहिंदा मैं अपना घर बनावांगा, कोई कहिंदा मैं अपने बच्चे का विआह करांगा, कोई कुछ कहिंदा। बंदे नूं आस हुंदी है, पर अज तां साडी आसां ते पाणी फेर दित्ता। मनप्रीत बादल जी नूं इक वारी पुछा जावे कि तुसीं आप एडे वड्डे महल च रहिंदे हो फिर भी सरकारी कोठियां दा इस्तेमाल करदे हो, तो सरकारी महलों में रहिंदे हो, सर अपने भी गैर सरकारी है वह भी इन्हां दी खून साडी खून पसीने की मेहनत की कमाई नाल बने हुए ने, ना कि इन्हां दे अपने कमाए हुए। जां सानूं दसण भी इन्हां ने किहड़ी मजदूरी की, कदों कदों इन्हां ने खेत च हलवाया, इन्नी इन्हां दी जमीन होने के बावजूद आज साडे नाल की किया जा रहा? मुलाजमान की जिन्हां नूं लोड़ नहीं, इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी आप तोड़ दिती। वैसे तो यह सारे मैनू लगता जी स्टील की रीढ़ की हड्डी पवा के आए हुए हैं, जिहड़ा कि इन्हां नूं रीढ़ की हड्डी मुलाजमान नूं कहा जाता सी, हुण मुलाजम कोई इन्हां दी रीढ़ की हड्डी नहीं रहे, उल्टा इन्हां ने अपनियां आप ही जोड़ लईआं। साडी लोड़ ही की है इन्हां नूं, तो फिर कढ दिण सानूं बाहर। दस्सयोग है कि वख-वख सरकारी हस्पतालां च काम करन वाले डॉक्टर, स्टाफ, नर्सां, क्लरिकल स्टाफ ते होर सरकारी कर्मचारी 6वें पे कमीशन तो खुश नहीं हन, जिस दे विरोध दे विच मुलाजमां दे वल्लों लगातार हड़ताल करके सरकार प्रति गुस्से दा प्रगटावा कीता जा रहा है। ਇਹ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕਲਾਸ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ PSMU ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ
रहनुमाई या स्पष्टीकरण लई हुक्मनामे जारी किए जा सकते ने। इथों किसी भी धार्मिक नियम नूं भंग करन करके या सिख हितां दे जां किसी व्यक्ति दे विरुद्ध किए हुए किसी भी गलत काम लई तनखा लगाई जा सकती है। इथों किसी व्यक्ति द्वारा सिख धर्म लई कीती कुर्बानी या कीती हुई महान सेवा लई मान सम्मान दिता अते दर्ज किया जाता है। सरबत खालसा दे सम्मेलन परंपरा दे तौर ते अकाल तख्त ते हुंदे ने। पंजाब च बिजली संकट जिथे आम लोकां लई कहर बनिया होया है, उथे सियासी धिरां इस मुद्दे ते रज के सियासत खेड रहियां ने। सूबे सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस नूं बिजली मुद्दे ते घेरन दे लई अकाली दल अपनी भाई वाली पार्टी बसपा नाल मिल के सूबे भर च प्रदर्शन कर रहा है। रोपड़ च दोवें भाई वाली पार्टियां ने लोकां नूं हत्थी चलन वालियां पक्खियां बन के रोस जाहिर किया। तो संकट जो है ये तो मैन मेड संकट है, ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी का संकट है, ये मिसमैनेजमेंट की वजह से संकट है, ये करप्शन की वजह से संकट है। सरकार की तो किसी को चिंता नहीं, सरकार कहाँ, सरकार दिल्ली बैठी है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सरकार दावतें दे रही है अपने फार्म हाउस में बैठ कर। कुछ हो सकता है कि इतना बड़ा संकट हो, सारी स्टेट बंद पड़ी है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, किसान कुरला रहे हैं, उधर शाही दावतें चल रही हैं। जो सूबा हमने पावर में सरप्लस करके छोड़ा था, बादल साहब की इतनी बड़ी मेहनत थी, सारे देश में जिसकी उदाहरण दी जाती थी, आज वो स्टेट यहाँ इस लेवल पे पहुँच गई है कि ना घरों के लिए बिजली है, ना खेती के लिए ट्यूबवेलों के लिए बिजली है, ना इंडस्ट्री के लिए बिजली है, ना दुकानदारों के लिए बिजली, और लोग सारा दिन सड़कों के ऊपर बैठ के धरने मार रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के रातें गुजार रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। सरकार अपने MLAs को, लीडर्स को शाही खाने दावत दे करके उनको खुश कर रही है कि हमारे साथ रहो, 6 महीने रल के लुटे, पंजाब की किसी को भी चिंता नहीं। जहाँ जनरेटर नहीं बिकते थे, जहाँ जो है इन्वर्टर बंद हो गए थे बिकने के स्टेट में, वहाँ आज फिर ये पंखी दोबारा 18वीं सदी में ये सरकार लेके गई है। सो एक जागृति फैलाने के लिए सारी जगह के ऊपर ये वैन सब जगह जाएगी, लोगों को जागृत करेगी कि इस सरकार को चलता करो। जिस सरकार ने सरप्लस स्टेट को यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि किसी भी के लिए बिजली नहीं है। मैं मास्टर रामपाल वैणा, जिला प्रधान बहुजन समाज पार्टी रोपड़। अज असी लोगों का हालात देखिया, घर बिजली जी लगातार गुल है और कट लग रहे हैं, लोग दुकाना पर बैठे परेशान है, मकाना बैठे परेशान है, और किसान जड़े बड़े दुखी है, झोना नहीं लग रहा। इस गल करके बहुजन समाज पार्टी के श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने फैसला किया है कि जी मुफ्त पक्खी जी लोगों के घर तक पहुँचाई जाए, और 6 महीने इस पक्खी ना सारन। 6 महीने तो बाद जो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार आएगी, जिस तरह पहला बादल साहब ने 24 घंटे बिजली सप्लाई दी थी, असी भी जी सांझी सरकार है वो लोगों 24 घंटे बिजली की सप्लाई देवे। इस गल करके अज जिहड़ा मुफ्त पक्खी सेवा का जिहड़ा प्रोग्राम है लिखा है, असीं पिंड पिंड जाके पक्खियां वंडांगे।